एमसीडी में लगातार 15 सालों से बीजेपी काबिज है। बीजेपी की तरफ से स्वच्छता के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। संगम विहार के बांध रोड पर गंदगी का ऐसा अंबार लगा है, जहां पर आपको बता दें आप नेताओं ने यहां का दौरा कर एमसीडी की लापरवाही पर तमाम सवाल खड़े किए। रिपोर्ट देखिए। एमसीडी की तरफ से दिल्ली में साफ सफाई को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें देवली विधानसभा क्षेत्र के संगम विहार के बांध रोड की हैं, जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बांध रोड पर खाली पड़ी जगह को एमसीडी ने कूड़ा घर बना दिया है। यहां से बीजेपी की दो महिला निगम पार्षद हैं, लेकिन लापरवाही किस कदर बढ़ती जा रही है आप खुद देख सकते हैं। रोड पर कूड़ा खुद एमसीडी की गाड़ियां ही डाल रही हैं। इस कूड़े को गाय खा रही है। ऐसे में अब राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और निगम पार्षद प्रेम चौहान ने यहां का दौरा किया है और एमसीडी को चला रही बीजेपी पर निशाना साधा है। ये रोड की दुर्दशा जो है 2017 में यहाँ की जनता ने भाजपा के दो पार्षद दिए, और वो जो दो पार्षद दिए थे उसकी सजा देवली गांव के लोगों को, संगम विहार वार्ड 78 के लोगों को ये भाजपा ने दी है। यहाँ दो पार्षद जो हैं भाजपा के आते हैं, और दोनों पार्षदों की मिली भगत से यहाँ पर ये हाल है। आज 3 साल पहले यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इन्हें चुना कि यहाँ पर और अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर कूड़ा घर बना दिया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम पार्षद की तरफ से यहाँ एक पार्क बनाने का वादा किया गया था, लेकिन पार्क तो नहीं बन पाया, कूड़ा घर जरूर बन गया। लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से उन्हें बीमारियों का डर भी सता रहा है। 4 साल पहले ये मैदान था, बच्चे इसमें क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे जो भी पब्लिक निकलती है उनको बहुत अच्छा हुआ था, अनुभव था, लेकिन आज जो पब्लिक निकल रही है वो नर्क के बीच में के निकल रही है। और यहाँ से करीब 30-40 हज़ार पब्लिक डेली जाती है, जो 77 वार्ड, 78 वार्ड, 76 वार्ड, 1 लाख के करीब डेली आती जाती है। यहीं पे थाना है पूरा, लोगों का सारा सैनिक फार्म है, सब लोगों को यहीं से आना जाना है। लेकिन इस गंद की वजह से आप देखो जो ये घर बने हुए हैं, आप इन घरों को देखो ये किस तरह रह रहे हैं यहाँ पे। भैया यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, यहीं बगल में रहते हैं हम, ये गली नंबर 14 है पड़ोस में। इतनी बदबू आती है जब हवा चलती है ना, पहले यहाँ पार्क की बात चल रही थी, यहाँ लोग खेलते भी थे, बच्चे आते थे सब, लेकिन यहाँ कूड़ेदान बना दिया। अब इतनी गंद है ना भाई साहब कि यहाँ जीना मुश्किल हो गया है, बहुत परेशानी हो रही है। और बहुत लोग यहाँ से जाते हैं, कम से कम 1 लाख लोग यहाँ से, पूरा संगम विहार निकलता है, यानी सभी लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन इतनी परेशानी है। तो इसके लिए हम जो भी गवर्नमेंट इसको करवा रही है बीजेपी, उन्हीं के काउंसलर हैं यहाँ, और खुलेआम कूड़ा डालते हैं वो गाड़ियों से, बीजेपी के काउंसलर। स्थानीय लोगों ने एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि एमसीडी ने जिस प्राइवेट कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दिया है वो यहाँ रोड पर कूड़ा डालकर चले जाते हैं। बारिश के मौसम में ये कूड़ा सड़ रहा है और आसपास के लोगों को यहाँ की बदबू ने परेशान कर दिया है। साथ ही लोग बीमारियों के डर के साए में भी जी रहे हैं। अब देखना होगा आप नेताओं के सवाल उठाने पर क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है, या अधिकारियों की लापरवाही ऐसे ही देखने को मिलती रहेगी। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से शमीम खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।